बलिया जिस प्रकार के गुलामी के खिलाफ बागी हुआ, वैसे ही ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है। मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी, और इसलिए मैंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। भाइयों और बहनों, मैं अपनी मां को बचपन में रसोई में धुएं से जूझते हुए देखा है। शौचालय न होने की वजह से घर और आस पड़ोस की महिलाओं को पीड़ा सहते मैंने देखा है। बरसात में टपकती छत के कारण दिन रात जागते परिवारों को देखा है। पैसे के अभाव में इलाज के लिए गरीब के खेत बिकते हुए देखा है। मिट्टी के तेल की डिबरी में पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है मुझे पता है। यही वो अनुभव थे जिन्होंने मुझे गरीबी के खिलाफ बगावत के लिए पैदा किया है, प्रेरित किया है। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए, इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। हमारी प्रेरणा से आज बहनों को गैस कनेक्शन, बिजली का मुफ्त कनेक्शन, शौचालय दिए जाना, एक के बाद एक अनेक काम हो रहे हैं। इसी प्रेरणा से ही हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है, 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। इसी प्रेरणा से ही गरीब से गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। साथियों, गरीबी के जीवन से निकली यही प्रेरणा है कि आज छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा किए जा रहे हैं। 23 मई के बाद हर किसान परिवार को ये मदद मिलने वाली है। इतना ही नहीं, छोटे किसान, खेत मजदूर और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन मिले, इसकी योजना भी ये चौकीदार बनाएगा। गरीबी की प्रेरणा से ही सामान्य वर्ग के गरीबों को ₹10% का आरक्षण दिया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।